नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आरजीपीवी डिप्लोमा लेटेस्ट अपडेट में लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है, जो कि आपका टाइम टेबल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 22 मार्च 2021। तो दोस्तों, टाइम टेबल के साथ नोटिस भी है, जो कि आपको मैं बताऊंगा। आपके सारे डाउट आज के वीडियो में मैं आप क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो भी छात्र मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दूसरा, पीके क्लासेस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सब्जेक्ट बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाए जाते हैं, तो जो भी छात्र हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के, बीटेक के, वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने स्टडी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं टाइम टेबल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। क्या टाइम टेबल है? तो दोस्तों, आरजीपीवी डिप्लोमा विंग द्वारा अभी अभी टाइम टेबल है, जो कि अपलोड कर दिया गया है। तो टाइम टेबल आपका इस प्रकार से रहेगा। 15 तारीख का नोटिस है, जो कि आपको दिख रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न डिप्लोमा इंजीनियरिंग नियमित अंशकालीन अंतिम सेमेस्टर, नियमित अंशकालीन अंतिम वर्ष की 22 मार्च 2021 से पुनः आयोजित होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं की समय सारणी। मीन्स नियमित एवं अंशकालीन 22 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम नियमित एवं अंशकालीन की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का पुनः आयोजन दिनांक 22 मार्च से 27 मार्च तक दो पारियों में किया जा रहा है। यह परीक्षा पूर्व की ही भांति पूर्णतः ऑनलाइन एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार की होंगी। इन परीक्षाओं की विस्तृत समय सारणी विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल www.rgpvdiploma.in पर प्रदर्शित की गई है। इन परीक्षाओं की विस्तृत समय सारणी है, जो कि प्रदर्शित की गई है। कृपया वेबसाइट में से आपकी संस्था में चल रहे पाठ्यक्रमों की समय सारणी प्रिंट कर जांच उपरांत तत्काल महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें, तथा आपकी संस्था से आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को तदनुसार टीप कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। समय सारणी में यदि कोई भी संशोधन आवश्यक हो, तो इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल ईमेल से अथवा दूरभाष पर तत्काल सूचित करें, जिससे उसका यथासमय निराकरण किया जा सके। कृपया समस्त संबंधित प्रपत्रों पत्राचारों में समय सारणी के अनुसार पाठ्यक्रम कोड, परीक्षा कोड, विषय कोड व प्रश्न पत्र कोड का उल्लेख अवश्य करें, जिससे त्वरित कार्रवाई व निराकरण में आसानी होगी। कृपया ध्यान दें कि विद्यार्थियों को भी अवगत कराएं कि विलंब से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई संभव नहीं होगी, जिसका उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का नहीं होगा। समय सारणी में किए जाने वाले संशोधनों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है, अतः अद्यतन जानकारी हेतु समय समय पर उपरोक्त वेबसाइट देखते रहें। तो दोस्तों, ये आरजीपीवी ने री एग्जामिनेशन का टाइम टेबल अपलोड कर दिया है, जो कि अलग अलग ब्रांच का टाइम टेबल है, जो 22 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें हम किसी एक ब्रांच के टाइम टेबल को चेक करेंगे, जैसे कि आपका ये यहाँ पे हम बताएंगे टाइम टेबल आपको मैकेनिकल, मींस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टाइम टेबल जो है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इसके बाद आपका है मैकेनिकल 22, 23, 24, 25, 26। ये रेगुलर आपके फिफ्थ सेमेस्टर के और सिक्स सेमेस्टर के एग्जाम का, री एग्जाम का टाइम टेबल आरजीपीवी ने अपलोड कर दिया है। अब ई एग्जाम देना किसको है? आरजीपीवी के जो पिछले नोटिस हैं, उसमें क्लियर मेंशन है कि जिनके 0 से 21 के बीच में नंबर आए हैं ऑनलाइन एग्जाम में, वो पुनः एग्जाम दे सकते हैं। और यदि वो एग्जाम नहीं देते हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं 70 में, यदि आपके 15 आए, 20 आए, 18 आए, 10 आए, उसी को कंसीडर करते हुए रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और जो छात्र पहले एग्जाम में एब्सेंट थे, इस एग्जाम में भी एब्सेंट होंगे, तो उनका एब्सेंट ही काउंट होगा। तो आरजीपीवी ने आपके लॉगिन आईडी पे उन सब्जेक्टों को मेंशन कर दिया है, उन सब्जेक्टों को शो कर दिया है आपके पोर्टल पे, जिसमें आपके नंबर कम है, जो कि 0 से 21 के बीच में है। तो आप उसमें फिर से पुनः अपीयर हो सकते हैं, प्रिपरेशन करके अपीयर हो, उसमें आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप अपने अपने स्टूडेंट लॉगिन आईडी पर चेक कर लें कि हो सकता है जिसके नंबर अच्छे होंगे तो उसका नहीं शो हो रहा होगा, जिसके 0 से 21 के बीच में है, एक सब्जेक्ट के हैं या दो में है, तो सिर्फ दो ही शो हो रहे होंगे। तो जो आप लोगों के ओल्ड नोटिस हैं, उनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी में ना तो वीडियो वॉच करते हो और ना ही नोटिस पर ध्यान देते हो कि आखिर कहे क्या रहे।
नोटिस में क्या दिया है, तो इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रहता है, पीके क्लासेस आपकी मदद के लिए तैयार है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, जिससे आने वाला कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। थैंक यू।